एविला की टेरेसा, जिन्हें यीशु की सेंट टेरेसा भी कहा जाता है, एक कार्मेलाइट नन और एक प्रमुख स्पेनिश रहस्यवादी और धार्मिक सुधारक थी। काउंटर रिफॉर्मेशन के दौरान सक्रिय, टेरेसा आध्यात्मिक और मठवासी नवीकरण के आंदोलन की केंद्रीय हस्ती बन गई, जिसने महिलाओं और पुरुषों दोनों के कार्मेलाइट आदेशों में सुधार किया। इस आंदोलन में बाद में युवा कार्मेलाइट तपस्वी और क्रॉस के रहस्यवादी सेंट जॉन भी शामिल हो गए, जिनके साथ उन्होंने डिस्प्लेस्ड कार्मेलाइट्स की स्थापना की। एविला स्पेन में सबसे बड़े आकर्षणों में से एक एविला का सेंट टेरेसा चर्च है। इस प्रतिष्ठित चर्च के पीछे का इतिहास काफी दिलचस्प है। चर्च उसी स्थान पर बनाया गया था जहां एविला की सेंट टेरेसा का जन्म हुआ था। डिस्प्लेस्ड कार्मेल की बहनों ने घर के खंडहरों पर एक चर्च बनाने का फैसला किया। इसे पूरा करने में उन्हें लगभग एक शताब्दी लग गई और चर्च अंततः 1636 में बनकर तैयार हुआ। इतने वर्षों के बाद भी चर्च अभी भी पूरे महाद्वीप से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करता है। चर्च का आंतरिक भाग विशिष्ट कार्मेल शैली में सजाया गया है। यह बहुत सरल है, खासकर जब उस समय के कई बेसिलिका और चर्चों की तुलना में। चर्च के बाहरी हिस्से का अग्रभाग साधारण है। चर्च के ठीक सामने एविला की सेंट टेरेसा, या जैसा कि स्पेनिश उन्हें यीशु की सेंट टेरेसा कहते हैं, की एक मूर्ति है। एविला चर्च के सेंट टेरेसा के संग्रहालय में चर्च से बाहर निकलने के बाद बाई ओर एक प्रवेश द्वार है। यह संग्रहालय सेंट टेरेसा के जीवन को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि यह एक अनोखा संग्रहालय है। संग्रहालय में दस्तावेजी किताबें, धार्मिक लेख, वस्तुएं और संत के अन्य पुराने अवशेषों को अच्छी तरह से संरक्षित और रखा जा रहा है। कुल मिलाकर स्पेन में सेंट टेरेसा ऑफ एविला चर्च एविला के सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक है। उनकी मृत्यु के 40 साल बाद 1622 में टेरेसा को पोप ग्रेगरी 15वें द्वारा संत घोषित किया गया था। 27 सितंबर 1970 को पोप पॉल छठे ने कैथोलिक धर्म के प्रति उनकी सदियों पुरानी आध्यात्मिक विरासत को मान्यता देते हुए टेरेसा को चर्च की पहली महिला डॉक्टर घोषित किया।